सुबह के 4 बजे अनाया को डोर नोक होता है। अनाया उठकर डोर खोलती है, उसके सामने नितिन और रमेश खड़े थे। वो उसे तैयार होने को कहकर वहां से चले जाते हैं। अनाया उनके जाते ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब वो अपना चेहरा वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए मिरर में देखती है, इस समय उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे थे, जो कि उसके रात के जगने के कारण थे। रात को उसकी आंखें कुछ आधा घंटे के बाद ही डर के कारण खुल गई थी। उसके आंखों के सामने से वो ब्लास्ट जा ही नहीं रहा था। वो जैसी ही अपनी आंखें बंद करती, उसके सामने अपने परिवार की जलती हुई चिता और मित्तल मैंशन में हुआ ब्लास्ट ही नजर आता, जिससे उसकी आंखें जल्दी ही खुल जाती। इसी वजह से वो रात भर जगी ही थी, उसने अपनी आंखें एक पल भी नहीं बंद की थी। अनाया अपने चेहरे पर पानी मारकर जल्दी से तैयार होने लगती है। वो जल्दी से ब्रश करके नहाकर रेडी होती है। रेडी होकर वो रूम में आकर अपना छोटा सा बैग पैक कर नीचे हॉल में चली जाती है, जहां पर नितिन और रमेश उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनाया ने अपने परिवार के अस्थि कलश भी उसी बाग में रखे थे। रमेश और नितिन जब अनाया नीचे आते देखते हैं, तो अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से वो बाग लेते हैं। उसकी बैग लेके तीनों ही अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस सेफ हाउस को लॉक करके बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही बिना किसी रुकावट के गेट पर से सिक्योरिटी चेक इन करके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो 1 घंटा जल्दी ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वो तीनों ही एयरपोर्ट पर बने वेटिंग लॉन्च में बैठ जाते हैं। नितिन दोनों को वही बैठाकर ब्रेकफास्ट लाने के लिए चला जाता है। उन तीनों ने रात में भी डिनर नहीं किया था और सुबह जल्दी ही सुबह घर से निकल गए थे, इसलिए उन तीनों ने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसलिए नितिन ब्रेकफास्ट लाने को चला जाता है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि अगर अनाया की जान को खतरा है, तो इसे खुलेआम एयरपोर्ट कैसे घूम सकती। अगर उसे किसी ने देखा तो मैं आपको बता दूं, अनाया ने इस वक्त अपनी अनाया मित्तल की पहचान मिटा दी थी, क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर चुकी है। पर उसकी एक दूसरी पहचान थी, जो कि किसी को भी नहीं पता थी, यह तक कि उसके फैमिली तक को नहीं। उसने अब से उसे यूज करने का ठान लिया था, तो अभी उसने एयरपोर्ट पर उसी पहचान से चेक इन किया था। वो आज से एम अनाया नाम से ही दुनिया के सामने आने वाली थी। उसने आते वक्त अपने चेहरे पर एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक फेस मास्क पहना था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसकी असली पहचान बस नितिन और रमेश को ही पता थी, इस वजह से उसे अब पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। रमेश और नितिन की बात की तो उनके बारे में किसी को भी नहीं पता था, उनका मित्तल खानदान से कुछ संबंध है या नहीं, क्योंकि ये दोनों ही मित्तल फैमिली के दोनों बेटों के खास और अधिकव बॉडीगार्ड थे, जिनके बारे में मित्तल फैमिली के कुछ ही लोगों को पता था। और अब से वो दोनों ही अनाया के लॉयल साथी और दादा बन गए थे। अब से वो तीनों एक ही परिवार थे। तीनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनों के मौत का बदला लेना था, और वही इन तीनों के जिंदगी का खास मकसद था। उसी के साथ नितिन और रमेश ने अपने बॉस यानी के अनाया के दोनों भाइयों से किया हुआ उसकी सेफ्टी का वादा भी उन लोगों के लिए बेहद अहम था। अनाया इस वक्त उस लॉन्च में बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां उस मोबाइल पर किसी रोबो की तरह चल रही थी। वो मोबाइल भी कोई आम या ब्रांडेड मोबाइल नहीं लग रहा था, वो एक मिनी कंप्यूटर था, जिनमें कंप्यूटर के सारे फंक्शन थे। साथ में मोबाइल में जो भी फंक्शन थे वो सब थे, बट एडवांस टेक्नोलॉजी से बने थे। अनाया के पास का मोबाइल फोन सिर्फ दुनिया में एक ही लोता था, क्योंकि ये खुद उसने डिजाइन किया था खुद के लिए, और ओनली वन पीस उसने रेडी किया था। इसमें हम बिना किसी और सिस्टम के भी किसी भी मोबाइल कंप्यूटर को बैठे बैठे कहीं पर भी हैक कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि कोई भी इस फोन को ट्रेस नहीं कर सकता। इस मोबाइल की सभी स्पेशलिटी एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी से बनी थी। श्रेया इस वक्त उस मोबाइल फोन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। इस वक्त उसने पूरी मित्तल कॉरपोरेशन के कंप्यूटर हैक किए हुए थे।
इस वक्त मित्तल कॉरपोरेशन में कोई भी काम नहीं कर रहा था, सब बंद पड़ा हुआ था। मित्तल परिवार के ब्लास्ट मैं हुए डेट के बाद कंपनी को कौन सब लेगा, कंपनी का मालिक कौन होगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। उसी के साथ कंपनी के शेयर भी तेजी से गिर रहे थे, किसी ने इसी बात का फायदा उठाकर बहुत सारे शेयर भी खरीद लिए थे। जब ये सब अनाया को पता चली तब तक बहुत देर हो क्योंकि थी, पता चला तब आधे शेयर अब भी बाकी थे पर अनाया ने उन्हें नहीं खरीदा, वो बस शेयर कौन खरीद रहा इस पर नजर बनाए हुई थी। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। थोड़ी देर में नितिन अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर उनके पास आ जाता है। उसे आता देख रमेश उसके हाथ से ट्रे लेकर वही रखे टेबल पर रख देता है। नितिन के आते ही अनाया भी जो काम कर रही थी उसे रोककर अपना मोबाइल साइड में रख देती है। उसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद 15 मिनट में ही उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो वो तीनों अपना बैग लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों ही प्लेन में अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। उन तीनों की ही सीट बिजनेस क्लास में थी, अनाया की सीट खिड़की के करीब थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। उसी वक्त एक पैसेंजर जल्दी से आकर अनाया के पास वाली सीट पर बैठ जाता है, जिसे देखकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनाया अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, उसकी सीट खिड़की के पास की थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी, बच कुछ ही मिनट बाकी थे तभी अनाया के पास वाली सीट पर एक पैसेंजर आकर बैठ गया, जिसने अपने साथ बैठे हुई अनाया की तरफ देखा तो वो उसे ही अपनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देख रही थी। उसने ये भी नोटिस किया था कि वो जब सीट पर बैठ गया था तब अनाया के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। एक्चुअली ये जो अनाया के सीट के पास वाली सीट पर बैठा था ये और कोई नहीं अनाया के कॉलेज का फ्रेंड था, जो अनाया से प्यार करने का दावा करता था पर रियल में वो उसे नहीं उसके पैसों से प्यार करता था। ये बात अनाया को अच्छी तरह से पता था, इसलिए जब उसने अनाया को प्रपोज किया था तो उसने उसे साफ रिजेक्ट किया था। उस वक्त इसे बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पूरे कॉलेज के सामने उसका मजाक बनाया गया था। उसने भी ठान ली थी कि अनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया ना तो उसे उसका सबक सिखा के रहेगा। इस अनाया के कॉलेज फ्रेंड का नाम विकी चोपड़ा था, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलीव करता था। उसके पास अपने पढ़ाई का खर्च उठाने तक के पैसे नहीं थे, वो अपनी स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकलता था। पर जब आज श्रेया ने उसे सीधा फ्लाइट में वो भी बिजनेस क्लास में बैठा देखा तो उसे उस पर शक हुआ, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी इस वक्त बादलों के बीच में थी, जिससे बाहर देखने पर और भी अच्छा और दिल को सुकून दे रहा था। विकी पहले तो अनाया के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन देख के कंफ्यूजन में चला गया, फिर उसने सोचा मैं तो इसे जानता भी नहीं, आज पहले बार देख है, नहीं ये मुझे जानती है, शायद मुझे ही भ्रम हो गया होगा। ऐसा सोचकर वो अपना सर झटक कर अपनी फर्स्ट फ्लाइट का एंजॉय करने लगता है। उसने अनाया को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि अनाया ने इस वक्त अपने चेहरे पर खास तरह का मास्क लगाया था, जिस से उसका असली चेहरा छुप गया था। उसे कोई भी देखता तो वो उसे पहचान ही नहीं पाएगा, विकी ने भी उसे नहीं पहचाना। करीब 4:35 घंटे के बाद उनकी फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वो तीनों ही वहां से चेक आउट करके एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। उनकी कार बाहर उनका वेट कर रही थी। नितिन सारा सामान बाहर खड़ी कार नहीं रखता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रितेश उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और श्रेया कार की बैक सीट पर बैठ कर कार हरिद्वार की तरफ चल पड़ती है। यूनान देहरादून से एक कार रेंट पर देने वाले कंपनी से कार रेंट पर ली थी। एयरपोर्ट कंपनी का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें कार देकर चला जाता है। उन लोगों ने लंच साथ में ही कैरी किया हुआ था। वो लोग बिना रुके हरिद्वार की तरफ बढ़ गए। करीब 2 बजे वो लोग गंगा घाट पर थे। इस समय उन लोगों ने अपने कपड़े चेंज करके सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। अनाया ने अपने
फैमिली के लिए वहां पर पूजा रखी थी उनके आत्मा के शांति के लिए उसे करने के बाद उसने मित्तल परिवार की अस्थियां गंगा में बहा दी। ऐसा करते समय उसके आंखों से दो बूंद आंसू उसके गाल पर आ गए थे। जैसे उसको ये महसूस हुआ उसने उसे साफ किया और गंगा माँ का पवित्र पानी अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की जब तक उसके परिवार के कातिलों को उनके किए की सजा नहीं दिलाती, अपने परिवार को न्याय नहीं दिलवाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। जिसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो सब करेगी। अपनी परिवार की अस्थियां को पानी में विसर्जित अनाया और नितिन एंड रितेश वहां से उन्होंने बुक किए हुए होटल में ठहरने के लिए चले जाते हैं। शाम को वो सब गंगा घाट पर आरती के लिए जाते हैं। वहां पर अनाया को बहुत अच्छा लगता है, उसे वहां पर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो सब अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी ही होटल से चेक इन करके वो तीनों ही देहरादून के लिए रवाना होते हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां से मुंबई के फ्लाइट में बैठकर मुंबई चले जाते हैं। मुंबई आकर वो तीनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। रितेश नितिन जो धमका मित्तल मेंशन में हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए चले जाते हैं। पुलिस ने वो केस सबूतों के अभाव पर क्लोज कर दिया था। किसी को भी उस एक्सीडेंट या ब्लास्ट का कारण पता नहीं चल पा रहा था। जिसने भी किया था बहुत सोच समझ कर किया था, पीछे कोई भी सबूत छोड़ा नहीं था, इसलिए पुलिस भी क्लूलेस हो गई थी। इसलिए वो केस पुलिस ने क्लोज करने के बाद सीबीआई की तरफ चली गई थी। वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लगभग उस ब्लास्ट के बाद 2 महीनों बाद मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में बने एक खंड में कुछ लोगों की कार एक के बाद एक आकर रुकती है। जैसे वह कुछ बड़ा होने वाला था। सारी करीब ब्लैक उसके साथ ही लग्जरियस थी, इसका मतलब जो भी था वो कोई बड़ा आदमी है। मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में बने एक खंड के आगे 10 ब्लैक कलर की लग्जरियस कारें एक के बाद एक आकर रुकती है। उन उस कार के रुकते ही उस खंड के चारों ओर पहरा दे रहे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड में से एक जन आगे आपकी बीच की कार का डोर खोलता है। उसके डोर खोलते उस डोर में से एक पतला गोरा पर बाहर निकलता है जिसने एक ब्लैक कलर की हाई हील पहनी थी। वो बॉडीगार्ड जिसने डोर खोला था वो अपना सर नीचे करके वही बाजू में खड़ा होता है। उस कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। उसके आसपास एक डेंजरस ओरा मंडरा रहा था। वो उस कार से उतरकर चलते हुए उस खंड के अंदर कदम बढ़ती है। वो जहां से भी जा रही थी वहां पे खड़े हुए उसके सारे बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर उसको ग्रीट करते हैं। उस लड़की के पीछे उसका असिस्टेंट और उसके पीछे उसके साथ आए हुए बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। वो लड़की उस खंड में एंटर करके उस खंड में ही बने एक रूम में चली जाती है। बाहर से खंड दिखने वाला अंदर से किसी महल से कम नहीं था। उसे खंड कहना गलता होता। वो लड़की के उस रूम में एंटर करके उस रूम में बैठे आदमी के सीधे गोद में जाके बैठती है। उस लड़की का जो असिस्टेंट था और बॉडीगार्ड सारे के सारे उस रूम के बाहर ही खड़े थे। ऐसे ही किसी के अपने गोद में बैठने पर उस आदमी का ध्यान जब उस लड़की पे जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आदमी जो भी काम कर रहा था उसे बीच में रोककर उस लड़की को अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना उसके रेड होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसका एक हाथ उसके बालों को पीछे से सहला रहा था और दूसरा उसके गालों पर था। वो लड़की उस आदमी को कुछ कहने ही वाले थी कि तभी उस आदमी को अपने होठों पर किस करता देख वो भी अपने हाथों का हार बनाकर उसके गले में डालकर उसके किस का रिस्पांस देने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर में अपने आप को नॉर्मल करके वो लड़की उस आदमी के तरफ देख कर कहती है, हमारा शक सही था आयाना, मित्तल जिंदा है। ये वही है जिसने अपने फैमिली का सीक्रेटली अंतिम संस्कार किया है। खुद को मरा हुआ दिखा कर वो किसी और ही आइडेंटिटी के साथ रह रही है। उसे आसानी से कोई भी पहचान नहीं पाएगा।
इतना कहकर वो अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है, लेकिन उसने एक गलती कर दी उसका बैड लक जिसके बारे में हम पता चला और वो उसका पड़ा फास हो गया। इतना कहकर वो उस आदमी की तरफ देखकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराकर आगे कहती है, अब जब हम पता चल गया है कि वो जिंदा है तो अब आगे क्या करना है, उसे भी उसके फैमिली के पास पहुंचा दे। उसका इतना ही कहना था कि वो आदमी उस लड़की के गाल पर एक किस करके उसके गर्दन पर अपने होंठ फिराकर उससे कहता है, बेबी जस्ट चिल, उसे तो मरना ही होगा पर अभी नहीं, उस पर नजर रखो, उसे बिना पता चले ये काम तो तुम्हारे दाएं हाथ का है जिसमें तुम माहिर हो, तो मुझे गलती कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वो उसके गर्दन पर एक बाइट करता है जिससे उस लड़की की सिसकियां निकल जाती है। वो आदमी उससे कहता है, बेबी अभी मुझे तुम्हें जी भर के प्यार करना, कितने दिन हो गए है तुम्हें प्यार किए हुए। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वो लड़की की भी खुशी के साथ उसका साथ देने लगती है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को किस करते करते उस रूम में बने हुए बेड पर आ गए। कुछ ही समय बाद उन दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और उस रूम में उस लड़की के सिसकियां की आवाज गूंज रही थी। देर रात तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहे। सुबह के 5 बजे दोनों ही थक कर एक दूसरे को हग करके सो गए। इधर अनाया अपने रूम में लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जैसे नाच रही थी। वो किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रही थी जो कि बेहद ही हाई सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट था। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि दुश्मनों को उसके जिंदा होने का पता लग चुका है और वो उस पर नजर रख रहे है। वो उनके निशाने पर थी। इस सबसे अनजान वो उस इंसान का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रही थी जिसका संबंध कुछ हद तक उसके फैमिली के डेट में था। एक्चुअली उसने जब अपनी फैमिली के आसपास जितने भी मोबाइल के सिग्नल जी रात को पाए गए थे, जिस समय वो हादसा हुआ था उसने सारे मोबाइल सिग्नल की जांच की, जिससे उसे एक नंबर मिला जो कि उस हादसे के 5 दिन पहले से ही उसके मेंशन के आसपास शो हो रहा था और उस एक्सीडेंट के दिन भी उस मोबाइल का सिग्नल उसी के मेंशन में पाया गया था। मित्तल मेंशन में हुए ब्लास्ट के बाद भी उसे वहीं पे ट्रेस किया था, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि या तो वो हत्यारा है या फिर उस ब्लास्ट में शामिल था, क्योंकि उस एक ही कॉन्टेक्ट नंबर से उसके आसपास की काफी लोग कनेक्ट थे जिनके जांच पर उसे ये पता चला यही वो गुंडे थे जो उसके बर्थडे की दिन उसके मेंशन आए थे, इन्होंने ही उन पर हमला किया था। ये कंफर्म होने के बाद उसे उस कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में पता चला जो इन सब का लीडर था जिसने इन्हें ऑर्डर दिए थे। जब उसको इस बारे में पता चला तब उसने उस नंबर को स्ट्रेस करना चालू किया, क्योंकि वो अभी तक चालू था, उसे डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था, कोई अभी भी उसे कर रहा था। जिसका भी वो नंबर था वो हाईली प्रोटेक्टेड था, इसका मतलब या तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है या कोई अच्छा हैकर। अनाया ने लगभग उसके सारी सिक्योरिटी वॉल तोड़ ही दी थी, मगर अचानक वो सेल फोन जो चालू था वो डिस्कनेक्ट हो गया, या ये कहे उसे स्विच ऑफ किया गया था। ऐसा होता देख अनाया ने गुस्से से अपना हाथ टेबल मार दिया। उसने इतने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा था कि उसका हाथ पूरा का पूरा रेड हो गया और सुन पड़ गया था। वो इस वक्त बेहद ही निराश महसूस कर रही थी। वो लैपटॉप के सामने से उठकर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। ये उसका रोज का काम था। उसे जब से उस मोबाइल नंबर का पता चला था वो तब से उसे हैक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हर बार निराश होकर बालकनी में आकर ऐसे ही एक तक आसमान की तरफ देखती रहती थी। नितिन और रमेश को सुरभि पर शक हो गया था। वो इस बारे में अनाया को बताना चाहते थे, पर इस वक्त उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो दोनों सुरभि के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे थे। वो इस बार उसका पीछे करते करते एक खंड के सामने आ गए थे। वो दोनों ही उस खंड से थोड़ी दूरी पर ही रुक थे। उन दोनों ने ही उस खंड के बाहर की टाइट सिक्योरिटी देखी थी, इसलिए वो लोग एक जगह पर छुप कर बैठे थे।
उन दोनों ने ही सुरभि को उस खंड में जाते हुए देख लिया था। वो इस सुरभि से बिल्कुल भी अलग लग रही थी जिसे उन दोनों ने अपने विला में अनाया के साथ देखा था। वो दोनों को ही अब कंफर्म हो गए थे कि सुरभि अच्छी लड़की नहीं है। वो कुछ छुपे इरादे के साथ उनके विला में एंटर कर चुकी है और उससे अनाया को खतरा है। खंड के अंदर बने रूम वो लड़की और लड़का एक दूसरे के हग करके सो रहे थे, तभी उस लड़के का मोबाइल रिंग हुआ जिससे दोनों ही नींद से जाग गए। वो लड़का उठकर बेड के साइड पर लगे टेबल पर से अपना मोबाइल निकालकर बिना नंबर देखे ही कॉल उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ के आदमी की कोल्ड आवाज उसके कान में पड़ती है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कप गई। वो खुद को संभालकर उस आदमी की बातों के बदले बस जी बॉस कह रहा था। कॉल रखने के बाद वो अपने बाहों में लेटी लड़की की तरफ देखकर कहता है, सुरभि उठो जी। हाँ, ये कोई नहीं बल्कि वही सुरभि थी जिसका पीछा रमेश और नितिन कर रहे थे। उन्हें इस पर शक था कि ये किसी गलत इरादे के साथ अनाया के साथ जुड़ी है, उससे झूठा दोस्ती का नाटक कर रही है, और उनका ये शक भी सही था। सुरभि जिस आदमी की बाहों मैं लेती है उसी के कहने पर अनाया से दोस्ती करके उसके ऊपर नजर रख रही है। ये लोग वही है जिनके वजह से अनाया ने अपने फैमिली को खोया है। सुरभि अनाया की कॉलेज फ्रेंड थी। अनाया की उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उससे दोस्ती हो गई थी। अनाया ज्यादा किसी से गुलती मिलती नहीं थी जिस वजह से उसके दोस्त भी न के बराबर थे। सुरभि अनाया के साथ दोस्ती करने में बेहद पापड़ बेले थे। अनाया उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दोस्त नहीं बल्कि उसके फैमिली और खुद उसके मौत के साथ दोस्ती की है। अनाया के साथ रहते रहते उसके घर जाकर सुरभि ने मित्तल मेंशन के चपे चपे के बारे में उस आदमी को बताया था। उन लोगों ने सुरभि की ही मदद अनाया के 19 बर्थडे पर वो ब्लास्ट किया था। उस समय सुरभि वहीं पर अनाया के साथ ही मित्तल मेंशन में थी। उसने ही उन गुंडों की मित्तल मेंशन में आने की सहायता की थी। ठीक उन गुंडों की एंट्री के बस 10 मिनट पहले वो अनाया मिलकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से चली गई थी। उसके बाद उस गुंडों की एंट्री और वो ब्लास्ट हुआ था। उसे लगा कि अनाया और उसके सारे परिवार की डेथ हो गई है, पर जब उसे अपने साथी से अनाया के जिंदा और बेस बदल कर रहने की बात पता चली तब वो बेहद डर गई थी। पर अगले ही पल वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहट लेकर कहती है, जिंदा है पर अब नहीं रहेगी, एक बार बच गई पर इस बार ऐसा वार करूंगी कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये जिंदा रहेगी तो हमने जिस मकसद से पूरी मित्तल फैमिली को खत्म किया है वो अधूरा रह जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद ही वो अनाया जहां पर रहती वहां पर बड़ी चालाकी से एंटर करती है। अनाया को लगता है वो उसकी सच्ची दोस्त है तो वो उसे अपने साथ रख लेती है, पर उसे अपने अनाया मित्तल होने की बात नहीं बताती क्योंकि रमेश और नितिन को उसके ऊपर शक था। उन लोगों ने ही उसे अपनी सच्चाई छुपाने को कहा था। वो भी उनकी बात मान गई थी और वो अभी जिसको ढूंढ रही थी, जिसका मोबाइल नंबर हैक करने की कोशिश कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि सुरभि ही थी। उस अनजान आदमी के जगने से सुरभि उठ जाती है। वैसे उसकी नींद उसके फोन की रिंग से ही टूट गई थी, फिर भी वो वैसे ही लेटी थी। वो अपनी आंखों को खोलकर उसके तरफ देखती है और उसको हग करके कहती है, क्या हो गया बेबी, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। वो आदमी उससे कहता है, बेबी पहले फ्रेश हो जाओ, हमें कहीं जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुमको रास्ते मैं सब बताता हूँ। इतना कहकर वो सुरभि के लिप्स पर एक छोटी से किस करके वहां से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद सुरभि भी अपने ऊपर चादर लपेट कर उस रूम के साइड में बने दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। दोनों ही फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके उस खंड से बाहर निकल कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं। उनके पीछे उनकी बॉडीगार्ड की कार भी चल रही थी। अनाया इस वक्त अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी उसे बहुत ही घबराहट महसूस होती है। उसके दिल में बेहद बेचैनी हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों ही रहा है। उसे रितेश और नितिन का ख्याल आता है।
वो उन्हें कॉल करती है पर वो दोनों उसका कॉल नहीं उठाते। उनके कॉल न उठाने से श्रेया और भी परेशान हो गई। उधर नितिन और रितेश सुरभि और उसके साथ जो अनजान आदमी था उसका पीछे करते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था। उनके बारे में सब कुछ उन लोगों को पता चल चुका था और वो दोनों उन दोनों का पीछा करके खुद ही मौत के मुंह में जा रहे थे। वहां पर सिग्नल न होने के कारण श्रेया का उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। अचानक श्रेया के लैपटॉप पर कुछ नोटिफिकेशन आने लगती है। वो अपना मोबाइल साइड में देखकर वो लैपटॉप के से आकर खड़ी होती है। उसकी उंगलियां फर्ज तेजी के साथ लैपटॉप पर चलने लगती है। कुछ ही समय में उसके पास किसका एड्रेस दिखाई दे रहा था। उसने सुरभि की लोकेशन हैक कर ली थी पर उसे वो कौन है ये नहीं पता था। श्रेया फिर से एक बार नितिन और रितेश को फोन करती है पर फोन नहीं लगा तो वो उनके फोन पर एक मैसेज सेंड करके चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके सेफ हाउस के बाहर जाकर कर में बैठकर वो कहीं चली जाती है। इस वक्त उसने पूरी के पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे। ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक मास्क। थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर पहुंच जाती है जहां की लोकेशन उसको मिली थी, जहां पर उस आदमी का या उस इंसान को लोकेशन ट्रेस हो गया था। वो एक सुनसान जगह थी। उसमें एक बड़ा बंद पड़ा हुआ गोदाम दिख रहा था जिसके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। सुरभि और वो अनजान आदमी दोनों ही उस गोदाम के अंदर अपने बॉस के सामने खड़े थे। बॉस सुरभि और उस अनजान आदमी को उनकी लापरवाही के लिए डांट रहा था। वो उनसे कड़क आवाज में कहता है, तुम दोनों की वजह से आज हमारा बना बनाया प्लान पर पानी फिरता। सुरभि, तुमको कितना टाइम हो गया है हमारे साथ काम करते करते, फिर भी तुम ने लगता है अब तक कुछ सीखा नहीं है। तुम्हारा फोन स्ट्रेस किया जा रहा था उसी के साथ तुम पर। उस अनाया के मून बोले, भाइयों को शक हो गया है, वो तुम्हारा पीछे करते करते उस खंड तक पहुंच गए थे और अब यहाँ पर भी। इतना कहकर वो अपने आदमियों को इशारा करते वो नितिन और रितेश को कमरे में धकलते हैं। दोनों की हालत बेहद खराब थी, उन दोनों को बहुत पिटा गया था। सुरभि और वो अनजान आदमी अब भी हैरान थे, उनका पीछा हो रहा है ये बात उनको पता नहीं थी। जब वो लोग रितेश और नितिन को देखते हैं तो वो लोग उन्हें पहचान जाते हैं। सुरभि ने इनके बारे में उस अनजान आदमी को बताया था। ये अनाया के मून बोले, भाई है जो मैं मास्टरमाइंड था, जो अब भी अंधेरे भी था, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आदमी को फिर से इशारा करता है, अपने बॉस को इशारा समझकर दो आदमी अनाया को रस्सी से बंध कर वहां पर लेके आते हैं। वो इस वक्त बेहोश थी, उसे और नितिन और रितेश को चेयर पर बांध देते हैं। सुरभि अनाया को देखकर शोक में थी। उसे नहीं पता था कि अनाया को हैकिंग भी आती थी क्योंकि उसको फोन बेहद ही पावरफुल सिक्योरिटी वॉल से प्रोटेक्ट था। किसी का भी उसको हैक करना नामुमकिन था पर अनाया ने वो कर दिया। इसका मतलब वो बेहद ही अच्छी हैकर है। वो आगे बढ़कर अनाया के मुंह पर पानी फेंकती है जिससे वो होश में आ जाती है। अनाया अपनी आंखों को खोलकर सामने देखने की कोशिश कर रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि वो उस नंबर को ट्रेस करते करते ये तक पहुंच गई थी पर वो कुछ कर पाती। तभी उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और अब वो उनकी कैद में थी। वो अपनी आंखों खोलकर सामने देखती है तो उसके सामने उसे सुरभि और एक मास्क पहना हुआ आदमी देखता है। उसी के साथ वहां पर उनके बेहद सारे आदमी भी खड़े थे। अनाया अपने सामने सुरभि को देखकर चौंक जाती है। वो और कुछ बोलती है उसके पहले उसने अपने सामने ऐसा कुछ देखा कि उसकी आंखें शोक के मारे बड़ी हो गई। उसके आंखों में इस वक्त शोक, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक ही साथ में दिख रहा था। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलना। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।